फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट जयाद और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में। वेल दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस बेहद खास प्रोग्राम में, जहां आज मैं आप सभी से बॉलीवुड बज में बात करने वाला हूं। इन दिनों कैसे कोई स्टार लगातार ही बज क्रिएट कर रहा है और कैसे खबरों में है, आज मैं आप सभी से बात करूंगा नन अदर देन न्यूली वेडेड सोनम कपूर और आनंद आहूजा के बारे में। सोनम कपूर और आनंद आहूजा बीते काफी दिनों से ही खबरों में हैं, जब से दोनों शादी के बंधन में बंधे हैं 8 मई को। तो वहीं इसके अलावा दोनों से जुड़ी तमाम कुछ खबरें बॉलीवुड गलियारों में इन दिनों वायरल हो रही हैं, जहां आप सभी ये देखने वाले हैं कि कैसे कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बने हुए हैं सोनम कपूर और आनंद आहूजा के बेडरूम में जाने से पहले, जहां आनंद ने सोनम पर एक स्ट्रिक्ट रूल लगा दिया है बेडरूम में आने से पहले। तो वहीं आप ये भी जानेंगे कि कैसे सोनम कपूर को ससुराल में ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा आप ये भी जानेंगे कि कैसे सोनम कपूर से जुड़ी कुछ और भी खबरें इन दिनों लगातार वायरल हो रही हैं, जहां दोनों के हनीमून से जुड़ी कुछ खबर आ रही थी, तो वहीं सोनम कैसे लंदन में भी शिफ्ट हो सकती हैं, आप सभी ये भी देखने वाले हैं। तो वहीं आप ये भी जानेंगे कि आखिरकार सोनम कपूर से जुड़ी और कौन कौन सी खबरें इन दिनों लगातार ही बॉलीवुड गलियारों में वायरल हो रही हैं, जहां कांस में हाल ही में शिरकत करने पहुंची थी सोनम कपूर और उन्होंने क्या बोला अपने कांस लुक के बारे में, जहां पति से थोड़ा सा वो अलग हुई थी कांस लुक में आने को लेकर, जहां थोड़ी सी टाइम उन्होंने कम दिया अपने पति को। तो वहीं आप ये सभी भी देखने वाले हैं कि कैसे सोनम कपूर ने क्या कहा अपने कांस अपीयरेंस के बारे में और इसके बाद क्या कहती हैं सोनम अपने इंटरव्यू में। वेल दोस्तों, डालिए नजर हमारे इस बेहद खास रिपोर्ट पर और जानिए आखिरकार कैसे सोनम और आनंद आहूजा से जुड़ी कुछ खबरें लगातार ही बॉलीवुड गलियारों में वायरल हो रही हैं। दोस्तों, अपनी शादी के बाद से सोनम और उनके पति आनंद आहूजा लगातार ही खबरों में बने हुए हैं। इस न्यू मैरिड कपल को हर कोई पसंद कर रहा है, तो वहीं उनसे जुड़ी खबरें लगातार ही सामने आ रही हैं। इसी के साथ बता दें, हाल ही में मिली जानकारी के हिसाब से आनंद ने अपने बेडरूम के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो सोनम को फॉलो भी करने होंगे। बता दें कि आनंद ने कहा है, बेडरूम में जाते ही दोनों को ही अपने फोन साइड में रखने होंगे। बेडरूम में जाने के बाद दोनों में से किसी को भी अपने फोन को हाथ में रखने की इजाजत नहीं है, कोई भी अपना फोन यूज नहीं करेगा। ये आनंद ने रूल बनाया है अपने बेडरूम के लिए। वेल दोस्तों, आजकल फोन का इंसान इतना ज्यादा आदि हो चुका है कि किसी को कुछ भी नजर नहीं आता। इंसान अपने काम से फ्री होकर अपने फोन में लग जाता है और अपनों को भी भूल जाता है। इसीलिए हर बात को सोचते हुए आनंद ने अपनी अच्छी जिंदगी के लिए ये रूल बनाया है कि बेडरूम में जब दोनों यानी सोनम और आनंद एक दूसरे के साथ होंगे, तो वो अपने फोन को यूज नहीं करेंगे, बल्कि फोन को साइड में रख देंगे और अपने निजी पलों को एंजॉय करेंगे। 8 मई को शादी के बंधन में बंधने वाली एक्ट्रेस सोनम कपूर बीते काफी दिनों से ही काफी सारी खबरों में बनी हुई थी। जी हाँ, आपको जानकारी दे दें कि आज हम आप सभी से सोनम कपूर के एक वायरल इंटरव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। सोनम कपूर ने शिरकत की कांस फिल्म फेस्टिवल में और कांस फिल्म फेस्टिवल में इस बार सभी की निगाहें सोनम कपूर पे टिक रही। जहां पहले ऐश्वर्या राय बच्चन का कांस लुक सामने आया था, तो वहीं इसके बाद सोनम कपूर का भी कांस लुक सामने आने लगा, जो कि लाइमलाइट का कारण बना और इस बार सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी सोनम कपूर के अवतार की। सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी काफी ज्यादा चर्चाएं हुई और देश का फेमस ब्रांड लॉरियल के लिए वॉक करने वाली सोनम कपूर ने इस बार भी काफी शानदार अपीयरेंस से सभी को हैरत में डाला। खैर, इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जैसे ही शादी के तुरंत बाद सोनम कपूर कांस में शिरकत करने वाले के लिए निकल गई थी, तो वहीं न्यूली वेडेड सोनम कपूर को पति आनंद के साथ कम ही वक्त बिताने को मिला। गौर हो इस बात पर कि सोनम और आनंद के हनीमून से जुड़ी भी बेहद खास खबरें सामने आ रही थी, लेकिन दोनों हनीमून पर नहीं गए। तो वहीं आप सभी को ये भी बता दें कि हाल ही में एक इंटरव्यू के काफी ज्यादा वायरल रहा सोनम कपूर का, जहां उन्होंने बताया कि वो बीते 2 साल से लंदन से
मुंबई और साथ ही साथ मुंबई से लंदन ही ट्रेवल कर रही हैं और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। गौरव इस बात पर कि बीते दिनों अपने कांस लुक को लेकर काफ़ी खबरों में रही हैं सोनम कपूर, जहां उनके एक्सपीरियंस को फैंस ने काफ़ी पसंद किया। जहां सोनम कपूर इस बार शादी के तुरंत बाद ही निकल पड़ी थी कांस के लिए, तो वहीं इस बार का एक्सपीरियंस सोनम का बेहद ज़्यादा बेहतरीन रहा। बॉलीवुड की फैशन डीवा सोनम कपूर बीते काफ़ी दिनों से खबरों में बनी हुई हैं। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि आज हम आप सभी से बात करने वाले हैं सोनम कपूर के बारे में और साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे शादी के बाद से ही लगातार सोनम अभी तक भी छाई रही हैं। जानकारी दे दें आपको कि शादी के तुरंत बाद सोनम कपूर का कांस अपीयरेंस सामने आया था, जिसको फैंस ने काफ़ी पसंद किया। जहां सोनम कपूर रेड कारपेट पर उतरी थी, तो वहीं इस बार सभी की नज़रें सोनम कपूर ने अपनी ओर की, क्योंकि दुल्हन बनने के बाद सोनम कपूर पहली बार, जी हां, शादी करके, जहां 8 मई को शादी के बंधन में बंधी सोनम कपूर, तो वहीं न्यूली वेडेड दुल्हन सोनम कपूर पहुंची कांस, जहां कांस में उनकी मेहंदी से लेकर उनकी रिंग तक की खबरें सामने आने लगी हैं और कांस में ही सोनम कपूर के इस अपीयरेंस की सभी ने काफ़ी ज़्यादा सराहना की। इसके अलावा आप सभी को ये भी बता दें कि सोनम कपूर का हाल ही में एक लुक वायरल हुआ था, जहां उनका काफ़ी कातिलाना अंदाज देखने को मिला, जहां सब्र को दीवाना बनाया सोनम कपूर के इसी अपीयरेंस ने। तो हुए लगातार ही सोनम का एक इंटरव्यू खबरों में बना हुआ है, जहाँ सोनम ने बात की है थोड़ा पति से दूर रहने को लेकर भी। जी हाँ, जहाँ कांस पहुँचने के बाद सोनम पति से थोड़ा सा दूर हो गई थी, तो वहीं इसके अलावा सोनम ने ये भी कहा कि आई थिंक आई हैव सेट अ एग्जाम्पल। जी हाँ, सोनम कपूर ने बताया कि कैसे वो रेड कारपेट पर तो उतरी ही हैं और साथ ही उन्होंने कैसे एक एग्जाम्पल सेट किया है इस बार कांस के रेड कारपेट पर। तो वहीं ऐश्वर्या और सोनम दोनों ही कांस में वॉक करती हैं अपने ब्रांड लॉरियल के लिए। दोनों ही अभिनेत्रियां कई सालों से कांस में वॉक करती नजर आई हैं और इस बार साल 2018 में तो दोनों ही अभिनेत्रियों ने कमाल कर दिया। शादी के बाद से ही खबरों में रहने वाली सोनम कपूर आए दिन ही सुर्खियों का हिस्सा बनी रहती हैं। उनके फैंस उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ बता दें कि सोनम ने शादी के बाद अपने पति आनंद आहूजा का सरनेम यानी आहूजा अपने नाम के आगे जोड़ लिया है। इस बात के लिए उनको ट्रोल भी किया गया। तो बता दें कि सोनम ने इस बारे में सफाई देते हुए काफी कुछ कहा है। शादी के बाद एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने नाम के साथ पति आनंद का सरनेम लगाया। इंस्टाग्राम ट्विटर पर अब उनका नाम सोनम कपूर आहूजा है। अपने इस फैसले के लिए एक्ट्रेस की आलोचना भी हुई। सोनम ने पहली बार कांस में इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में पति का सरनेम लगाने पर प्रतिक्रिया दी। इंटरव्यू में सोनम ने कहा वो लंबे समय से आनंद के साथ रिलेशन में थी, ये फैसला लेने में उनको समय लगा, अपने नाम के पीछे आनंद का सरनेम लगाना अंत में उनकी चॉइस है। एक्ट्रेस सोनम कपूर पिछले कुछ समय से अपनी शादी को लेकर खबरों में रही हैं। उन्होंने आनंद आहूजा से शादी कर अपना घर बसाया है, तो वहीं शादी के बाद वो कांस फिल्म फेस्टिवल में अपने दिलकश अवतार में नजर आई हैं। कांस में उनके लुक का हर कोई इंतजार कर रहा था, तो जैसे ही उनका लुक सामने आया वैसे ही उनके फैंस उनके दीवाने हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा शादी के बाद उनको जिस ड्रेस में खुश देखा गया वो उनकी खूबसूरत ड्रेस है, जिसे आप देख पा रहे होंगे। इन तस्वीरों में सोनम येलो और बेज कलर के गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। दूसरे दिन रेड कारपेट पर जलवे बिखेरने वाली सोनम के चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही है। ये शानदार लुक उन्हें डिजाइनर वेरा वोंग ने दिया। कांस में लॉरियल ने अपनी ब्रांड एम्बेसडर सोनम कपूर की शादी सेलिब्रेट करने के लिए एक केक बनवाया था। इस केक के चारों तरफ क्रीम से बनी लिपस्टिक की सजावट की गई थी। पहले दिन सोनम ने राल्फ एंड रूसो का डिजाइन किया एक लहंगा पहना था, तो वहीं ऑफ व्हाइट कलर के उस लहंगे में भी सोनम कपूर बेहद ग्रेसफुल लग रही थी।
दोस्तों जाना आप सभी ने कैसे लगातार ही कुछ खबरें बॉलीवुड बस प्रोग्राम में, जहां मैंने आप सभी को दिखाई कि कैसे सोनम कपूर और आनंद आहूजा से जुड़ी कुछ खबरें लगातार वायरल रही। जहां सोनम के लिए आनंद ने एक स्ट्रिक्ट वेडिंग रूल, बेडरूम में जाने का रूल रखा हुआ है, तो वहीं आपने ये भी देखा कि कैसे ये रूल था कि सोनम कपूर और आनंद दोनों को ही अपने बेडरूम के बाहर ही फोन रखना पड़ेगा और दोनों में से कोई भी बेडरूम के अंदर फोन यूज नहीं कर सकता। इसके अलावा आपने ये भी जाना कि कैसे सोनम कपूर ने बताया कि वो लगातार ही लंदन से इंडिया और इंडिया से लंदन, यानी कि मुंबई से लंदन और लंदन से वापस मुंबई आती जाती रहती थी, तो वहीं अगले 2 साल तक यही चलने वाला है। और आपने ये भी जाना कि सोनम कपूर कैसे लगातार ही अपने कांस अपीयरेंस के बाद एक इंटरव्यू को लेकर खबरों का सिलसिला रही। जी हाँ, इंटरव्यू जो उन्होंने दिया उससे पहले वो कांस में तो पूरे तरीके से छाई चुकी हैं। तो वहीं ये था मेरा आज का स्पेशल प्रोग्राम बॉलीवुड बस, जिसमें सोनम कपूर और आनंद आहूजा के बारे में आज मैंने बात की। बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।